हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक सामल और मेरे पास अभी है मोटो का E13 जिसमें आपका लैंग्वेज हो चुका है चेंज। तो आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश कैसे करना है आज वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, आपको पहले ढूंढना है आपका सेटिंग कहाँ गया। साइट में आपको मिलेगा सेटिंग, देखिए जो सेटिंग का सिंबल है आपको इसे मिलेगा सेटिंग। चलना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद सबसे नीचे आना है आपको, देखिए जो एक फोन का सिंबल दिया हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है आई, एक सर्कल में लिखा हुआ है आई, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद देखिए आपको मिलेगा गोवाल का एक हमारा सबसे ऊपर वाला जो गोवाल का सिंबल है इसको आपको क्लिक कर लेना है। सबसे ऊपर वाला को क्लिक कर लेना है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला को। और यहाँ पर आपको फिर से सबसे ऊपर वाला को क्लिक करना है। देखिए सब कुछ लैंग्वेज आपको यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मेरा यहाँ पर इंग्लिश है ना, इंग्लिश को पकड़ कर ऐसे ऊपर ले आना है। देखिए सारे कुछ जो है लैंग्वेज अभी यहाँ पर आपका हो चुका है इंग्लिश। इस तरह आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 8 लैंग्वेज अभी आप कर सकते हैं। 8 लैंग्वेज, इतना सारा लैंग्वेज दिया हुआ है, ये लैंग्वेज सब यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। बैक करता हूँ, फिर से बैक। अतः फिर से करता हूँ, मैं जाता हूँ अभी सेटिंग में। नीचे आना है, लिखा होगा आपका सिस्टम, आ गया जो आई में बोला था, आई में लिखा हुआ है सिस्टम, क्लिक कर लीजिए। और सबसे ऊपर आया है आपका लैंग्वेज एंड इनपुट, क्लिक। उसके बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है लैंग्वेज, क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज या फिर ऐड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।